आज की इस वीडियो को आप लोगों को नहीं बोलेंगे कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट फटाफट से सारा का सारा प्रश्न पत्र को जो है यहाँ पर देख लेते हैं बिना लेट किए हुए। तो आप लोग कहीं पर आराम से बैठकर सारा का सारा प्रश्न पत्र को जो है आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से जो है सारा क्वेश्चन को जो है हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन निकल कर आ रही है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो ये जो है यूनान का। राइट आंसर जो है आप लोग को बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है दो नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि जो है किन देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, तो ये जो हुई थी यहाँ पर रूस और जर्मनी के बीच। आप लोग को ध्यान रखना है, राइट आंसर जो है आप लोग को डी सही। तीन नंबर प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को जो है क्या कहे जाते थे, तो कोलोन कहे जाते थे। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर चार नंबर प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो ये जो दी गई बारदोली के दौरान दी गई, तो राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बहुत ही इजी प्रश्न दिया गया है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, तो ये जो की थी यहाँ पर 1907 ईस्वी में। आप लोग को राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर छह नंबर प्रश्न दिया गया है, अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाखोरी संभव हुआ। अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाखोरी संभव हुआ, तो ये जो है यहाँ पर संपत्ति। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर सात नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी जो है नई शासन प्रणाली का जो है उदय हुआ, तो ये जो है यहाँ पर फांसीवादी नाजीवादी शासन का जो है उदय हुआ। तो राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है सात नंबर प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो ये जो बदल दी अमृत बाजार पत्रिका ने, तो राइट आंसर आप लोग को सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निकल कर आ रही है, नौ नंबर प्रश्न है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों एवं सामग्री की मांग बढ़ाई। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रिया की मांग बढ़ाई, तो ये जो बढ़ाई थी यहाँ पर चीन ने। राइट आंसर आप लोग को सी सही है। डाउट नट, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही डाउट नट पर क्लास 9 से 12 बच्चों के लिए चल रही इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी डॉट नेट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है 1990 के दशक में हुई। राइट आंसर आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निकल कर आ रही है, 11 नंबर प्रश्न है, लैंगिक विभाजन है, लैंगिक विभाजन है, तो लैंगिक विभाजन ये जो है क्या है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर है, तो राइट आंसर आप लोग को ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न निकल कर आ रही है, 12 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, संघ राज्य की एक विशेषता नहीं है, संघ राज्य की एक विशेषता नहीं है, तो ये जो है यहाँ पर इकहरी शासन व्यवस्था जो है ये संघ राज्य की एक विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर आप लोग को सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न निकल कर आ रही है, 13 नंबर प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये जो हुई थी यहाँ पर राजस्थान से। आप लोग को ध्यान रखना है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 14 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है, तो ये जो होता है यहाँ पर किसका सत्ता प्राप्त करना। राइट आंसर आप लोग को ये सही है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 15 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी तो कितने प्रतिशत थी, तो ये जो थी यहाँ पर कितना प्रतिशत, यानी कि 10%। आप लोग को राइट आंसर ये सही है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 16 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्हित किसके द्वारा जो है प्रदान किया गया, तो ये जो है प्रदान किया जाता है किसके द्वारा, तो ये जो है यहाँ पर निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्ह की जो है यहाँ पर निर्वाचन आयोग द्वारा जो है प्रदान किया जाता है, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 17 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, तो ये जो थे यहाँ पर महेंद्र सिंह टिकैत। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निकल कर आ रही है, 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, इसका राइट आंसर जो है आप लोग को लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न निकल कर आ रही है यहाँ पर 19 नंबर, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, राजनीतिक दलों की नींव यहाँ पर सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ये जो पड़ी थी यहाँ पर किस देश में, तो ब्रिटेन में, राइट आंसर आप लोग को ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न निकल कर आ रही है 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो ये जो है राजनीतिक दल को, राइट आंसर जो है डी सही है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 21 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, समान ऊंचाई वाले संस्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पर समोच्च रेखा कहते हैं, राइट आंसर ये सही है। चलिए आप लोग ध्यान देते चलिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक सारा का सारा यहाँ पर प्रश्न को देखते चलिए ध्यानपूर्वक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है, तो आप सभी को पता होंगे पटना है, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 23 नंबर प्रश्न, बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है, बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है, तो आप सभी को पता होंगे कटिहार में है, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है, तो खाद कारखाना जो स्थित है बरौनी में है, राइट आंसर आप लोग को ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 25 नंबर है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है, तो ये जो होता है यहाँ पर सीमेंट उद्योग में होता है, राइट आंसर आप लोग को ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है आप लोग को 26 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, निम्न में कौन जो है गत्रा उत्पादक जिला नहीं है, निम्न में कौन जो है गत्रा उत्पादक जिला जो है यहाँ पर नहीं है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, यहाँ पर जो है बांका जो है यहाँ पर गत्रा उत्पादक जिला नहीं है, तो राइट आंसर आप लोग को डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न निकल कर आ रही है 27 नंबर प्रश्न, बिहार के जूट उत्पादन में है, बिहार के जूट उत्पादन में क्या है, तो बिहार के जूट उत्पादन में जो है यहाँ पर गिरावट हो रही है, यानी कि बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 28 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, तो ये जो दिया गया यहाँ पर 2005 में, तो राइट आंसर आप लोग को डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को कोलकाता रिसरा क्षेत्र, राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 30 नंबर प्रश्न है, गेहूँ किस प्रकार की फसल है, गेहूँ किस प्रकार की फसल है, तो गेहूँ जो है यहाँ पर रबी फसल है, तो आप लोग को राइट आंसर जो आप लोग को ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और यहीं पर धान पूछा जाएगा, तो यहाँ पर धान जो है खरीफ फसल हो जाएंगे, राइट आंसर इसका बी हो जाएंगे, धान का धान जो है खरीफ फसल है, गेहूँ जो है यहाँ पर रबी फसल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो आप लोग को 21 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता शिकायत करेगा, ये जो है राज आयोग में करेगा, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 32 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, निम्न में से कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, निम्न में से कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, यहाँ पर डी, इनमें से सभी, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला, राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है, इनमें से सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न निकल कर आ रही है 33 नंबर, नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताओं में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, इसका जो है राइट आंसर आप लोग को हो जाएंगे समाजीकरण, समाजीकरण जो है यहाँ पर नई आर्थिक नीति के मुख्य विशेषताओं में से जो है एक विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर आप लोग को डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न निकल कर आ रही है 34 नंबर, आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र के है, निम्न में से जो कौन एक क्षेत्र नहीं है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को मनोरंजन क्षेत्र, राइट आंसर जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न निकल कर आ रही है 35 नंबर प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो ये जो है 1969 ईस्वी में किया गया, राइट आंसर आप लोग को सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 36 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, निम्न में से किसे जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो ये जो कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो राइट आंसर आप लोग को बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न निकल कर आ रही है 37 नंबर, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में कौन नहीं है, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में कौन नहीं है, तो ये जो है यहाँ पर वाणिज्य बैंक, राइट आंसर आप लोग को बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 38 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को बी, यानी कि राइट आंसर 38 का डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न निकल कर आ रही है 39 नंबर, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो ये जो है यहाँ पर 1986 में हुई, तो राइट आंसर जो है यहाँ पर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निकल कर आ रही है 40 नंबर प्रश्न है,
पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने जो है खरीद लिया। तो ये जो खरीद लिया यहाँ पर कोको कोला ने, राइट आंसर आप लोग को ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर 41 परीक्षा हॉल में जो है आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से जो है आप लोग को 40 का ही जवाब जो है आप लोग को क्या करना है, वो एमआर शीट में जो है यहाँ पर फिलअप करना है करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर फटाफट से मैं सारा आंसर की यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाली सबसे पहली भूकंपीय तरंग होती है, पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाली सबसे पहली भूकंपीय तरंग होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, पीठ तरंग होती है, राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न दिया गया है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो ये हो जाएंगे आप लोगों को सार्वजनिक टेलीफोन, राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर जो है 43 नंबर प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए जो है किस यंत्र की जो है मदद ली जाती है, तो ये जो मदद ली जाती है इंफ्रारेड कैमरा का, राइट आंसर जो है बी सही है, इंफ्रारेड कैमरा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर जो है 44 नंबर प्रश्न, उत्तराखंड है तो उत्तराखंड जो है भूकंप प्रवण है, राइट आंसर आप लोग को ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर जो है 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में किसे जो है बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये जो है यहाँ पर कोसी को, राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मानवजाति आपदा है, तो आप लोग को राइट आंसर जो हो जाएंगे इनमें से सभी, जैसे सांप्रदायिक दंगा और आतंकवाद महामारी, राइट आंसर डी सही, इनमें से सभी जो है मानव जनित आपदा है, राइट आंसर डी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न है, भूकंप है तो भूकंप जो है यहाँ पर प्रकृति आपदा है, तो राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर जो है आप लोग को 48 नंबर प्रश्न है, सुखार का कारण है तो सुखार का कारण इनमें से सभी है, जैसे में कम वर्षा और मानसूनी वर्षा की सीमित अवधि और अपर्याप्त जल संरक्षण, इसका राइट आंसर जो है आप लोग को डी सही। आप लोगों की जो है यहाँ पर 80 प्रश्न में से जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो यहाँ पर 40 का ही जवाब जो है आप लोग को देना है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर अंत करता हूँ, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।